अस्सलाम वालेकुम बेटा, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? बेटा अनम्यूट हाँ, करके बात आ कर सकते? जी अच्छा, रही बेटा हमें आज बात करनी है कीबोर्ड के हवाले से। ठीक है, हम कंप्यूटर कंपोनेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 2 शुरू हो चुका था, तो आज वैसे भी थोड़ी छोटी क्लास है, 25 मिनट्स और 20 मिनट्स की क्लास है हमारी आज। इसके बाद आप लोगों को 11 to 12 में आपको जो है वो टेस्ट कंडक्ट करना है। ठीक है, सबको पता ये वाली बात कि आप लोगों को 11 से 12 बजे के दरमियान, यानी 11 बजे आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा और 12 बजे वो ख़त्म हो जाएगा। आपके सबके इल्म में है ये वाली बात? बेटा आंसर कीजिए। बेटा अनम्यूट करके मुझसे बात कीजिए। आपने आ रही है। कुछ तैयारी की है? आप लोगों का आज पेपर है मैथ्स का। अच्छा चले, खैर उसके बाद बात करते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं कीबोर्ड के हवाले से। कंप्यूटर कीबोर्ड तकरीबन सब लोगों ने ही देखा होगा, ऐसा कोई नहीं है मेरा ख्याल है कि यहाँ पर जिसने कीबोर्ड ना देखा हो ना यूज़ किया हो। ऐसे ही सही कह रहा हूँ? ठीक है जी। तो कंप्यूटर का जो कीबोर्ड है बेसिकली वो क्या है, इनपुट डिवाइस है। उसकी मदद से हम कंप्यूटर को क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं थोड़ी सी हम। कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस दैट कंटेन्स कीज यूजर प्रेस टू एंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू अ कंप्यूटर। इसकी जो कीज होती हैं उसकी मदद से हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है जी, यानी कि हम कीबोर्ड के बगैर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन या डेटा जी कोई भी चीज़ हम उसमें इनपुट नहीं कर सकते। ठीक है जी। अब कीबोर्ड, मैंने ये वर्ड कीबोर्ड इसलिए यूज़ किया, कोई ये ना समझो कि सिर्फ फिजिकली कीबोर्ड हो सकता है, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड भी हो सकता है, लेकिन वो है वो कीबोर्ड ही। जैसे टच स्क्रीन है आपका, उसमें कीबोर्ड आपका फिजिकल नहीं है, लेकिन जब हम राइटिंग स्टार्ट करते हैं तो एक कीबोर्ड आपकी स्क्रीन पर बना हुआ आ जाता है, लेकिन वो होता क्या है, कीबोर्ड ही है। ठीक है जी। तो क्या है बेसिकली कीबोर्ड में क्या होती है, कीज होती है जिनको हम प्रेस करके क्या करते हैं, अपनी इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है जी, ये तो कंप्यूटर हमारी कीबोर्ड की हो गई डेफिनेशन। आगे चलते हैं। अगर हम कीबोर्ड की थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करें, भाई क्रिस्टोफर लेथम शोज हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम कीबोर्ड को इन्वेंट किया। ठीक है जी, कंप्यूटिंग डिवाइसेस के लिए। ठीक है जी, ही पेटेंटेड द टाइप राइटर दैट वी कॉमनली यूज टूडे इन 1868। बेसिकली वो जो कीबोर्ड था वो टाइप राइटर का था जो यूज होता रहा और काफी टाइम तक यूज हुआ, अभी भी कुछ जगह पर आपने देखा होगा कीबोर्ड यूज किया जा रहा है। ठीक है जी, तो 1868 में सबसे पहले जो है वो यूज किया गया। ठीक है जी, इसके जो इन्वेंटर थे वो कौन थे, क्रिस्टोफर लेथम शोल्स। ठीक है, मजीद आगे बात करते हैं, ये थोड़ी सी हिस्ट्री की बात थी। हम बात करें टाइप्स ऑफ कीबोर्ड की, कि कीबोर्ड की टाइप्स कितनी होती है हमारे पास। ठीक है जी, सबसे पहले तो हमारा स्टैंडर्ड कीबोर्ड है जो हमारा डेस्कटॉप कीबोर्ड भी या फिर हमारा जो कंप्यूटर के जो कीबोर्ड है वो शुमार किया जाता है। ठीक है जी, जिसमें अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स हैं, पंचुएशंस हैं, सिंबल्स हैं, ये सब चीज़ें यूज की जाती हैं। ठीक है बेटा, इसमें हमारे पास राइट बहुत सारे फंक्शंस भी हैं, सब कुछ है, यानी कि हम न्यूमेरिक, अल्फाबेट्स, सिंबल्स, हम जितनी भी हमें चीज़ें यूज करनी होती हैं वो तमाम चीज़ें हमारे इस कीबोर्ड में मौजूद होती हैं। ठीक है, आगे मजे चलते हैं स्टैंडर्ड कीबोर्ड के बाद। ये देखें, ये स्टैंडर्ड कीबोर्ड है हमारे पास जो नॉर्मली हम कंप्यूटर में यूज़ करते हैं। इसके अलावा भी आपने बहुत सारे कीबोर्ड देखे होंगे, हम आगे डिस्कस भी करते हैं। ठीक है जी, अब आते हैं लैपटॉप कीबोर्ड। लैपटॉप का जो कीबोर्ड होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ये देखें कॉम्पैक्ट साइज में होता है इस कीबोर्ड से। इसमें क्या होता हैज़ द सेम कीबोर्ड टाइप एज अ नॉर्मल कीबोर्ड एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट मोस्ट लैपटॉप कीबोर्ड्स कंडेंस द सिंबल्स इनटू फीवर बटन्स टू एकोमोडेट लेस स्पेस। स्पेस बचाने के लिए क्या होता है, हमारी बहुत सारी कीज जो है वो डबल फंक्शन में यूज होती हैं। आप टॉप में या वैसे देखें आप तो हर जगह आपको ड्यूअल की नज़र आती है, जिसको हम FN के साथ यूज़ करते हैं। स्पेस बचाने के लिए कीबोर्ड को कॉम्पैक्ट किया जाता है। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा किसका, लैपटॉप का कीबोर्ड। फिर हमारे पास आते हैं गेमिंग कीबोर्ड्स, वो सिमिलर टू नॉर्मल कीबोर्ड एक्सेप्ट दे जनरली कंटेन एक्स्ट्रा फीचर्स सच एज इल्यूमिनेटेड कीज, मल्टीमीडिया कीज एंड एडिशनल LCD स्क्रीन
palm rest and other features. जो gaming keyboards होते हैं उनमें आपने देखा होगा कि उसमें extra keys होते हैं, extra features होते हैं, ठीक है, illuminate मतलब जो lighting effects होते हैं, ये देखें ये lights हैं, यानी अंधेरे में अगर हम जैसे क्योंकि gaming वगैरह में आपने देखा होगा कि थोड़ा सा अंधेरा रखा जाता है ताकि ज़्यादा आपको उसको ज़्यादा मज़ा आ सके, enjoy कर सकें, ठीक है। ये palm rest होता है जिसको आप हथेली रख कर आप बहुत मज़े से गेम, क्योंकि गेमिंग बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम भी खेली जाती है, ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाता है, कंटिन्यूस आप कई कई गेम्स खेल रहे होते हैं, तो उसमें ये सारे जो है वो आपके फीचर्स रखे जाते हैं कि आप, आपका कंफर्ट लेवल आपका बढ़ जाए, ठीक है जी। कुछ कीबोर्ड्स में LCDs भी आना शुरू हो गई, कुछ में टच पैड भी आना शुरू हो गया, ठीक है जी। तो ये गेमिंग कीबोर्ड्स भी हमारे पास आते हैं, ये हम टाइप्स ऑफ कीबोर्ड पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। फिर ये आ गए आर्गोनॉमिक कीबोर्ड्स, ठीक है जी। इज अ कंप्यूटर कीबोर्ड डिजाइन विद आर्गोनॉमिक consideration to minimize the chance of wrist and hand injuries. ये उनके लिए बनाए जाते हैं स्पेशली जिनको इंजरीज हो गई या नॉर्मल कीबोर्ड यूज नहीं कर पाते, तो उनके लिए थोड़े डिफरेंट कीबोर्ड भी बनाए जाते हैं या आर्गोनॉमिक कीबोर्ड्स कहलाते हैं। ये देखें आप, ये डिफरेंट कीबोर्ड है, ये नॉर्मल पर्सन यूज नहीं कर सकता, लेकिन जो इसको यूज कर रहा है वो आराम से इसको कंटिन्यू यूज कर सकता है। ऐसे कीबोर्ड ही मार्केट में अवेलेबल होते हैं, ये आर्गोनॉमिक कीबोर्ड कहलाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं लेज़र और इंफ्रारेड कीबोर्ड्स, ठीक है। इसमें क्या होता है ये देखें, इसमें ये वैसे तो वर्चुअल कीबोर्ड भी कहलाता है, ठीक है जी। इसमें लेज़र लाइट से एक प्लेन सरफेस पे आपको कीबोर्ड ये एक विजिबल हो जाता है और इस पर आप काम भी कर सकते हैं नॉर्मल कीबोर्ड की तरह, ठीक है। छोटी सी डिवाइस होती है, ठीक है, ये वर्चुअल कीबोर्ड की डिवाइस कहलाती है और मार्केट में अवेलेबल है। इसको आप अपने मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, अपने LCD स्क्रीन, जहाँ भी आपका इनपुट है वहाँ उसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये लेज़र लाइट से इस प्लेन सरफेस पर कीबोर्ड विजिबल कर देती है जिसको आप यूज़ कर लेते हैं, ठीक है जी। दिस डिवाइस प्रोजेक्ट्स द कीबोर्ड ऑन टू अ फ्लैट सरफेस सच एज अ टेबल और डेस्क, ठीक है जी। इस तरीके से इसकी विजिबिलिटी आराम से आप यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल लाइक अ नॉर्मल कीबोर्ड, ठीक है जी। और रोल अप कीबोर्ड्स, they are made of soft plastic or silicone which can be rolled on itself for travel. अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं आपको जो है वो कीबोर्ड नहीं लेके जा सकते, बड़ा होता है, बैग में रखने में परेशानी होती थी, रोल अप कीबोर्ड्स होते हैं, रबर और सिलिकॉन के बने हुए होते हैं, उनको आप रोल करके अपने बैग में इजीली रख सकते हैं, किसी जगह पे आपने प्लग इन किया अपने डिवाइस में और अपने यूज़ करना शुरू हो गए, ठीक है जी। ये बेसिकली बिल्कुल लाइट वेट और सॉफ्ट रबर का बनाया जाता है ताकि उसको आप रोल करके बहुत कम जगह पर आप रख सकें जहाँ पर आप नॉर्मल कीबोर्ड आप नहीं ले जा सकते, ठीक है जी। अब कनेक्शन टाइप की बात हो रही है, जो कीबोर्ड्स होते हैं हमारे अब कनेक्शन कैसे करते हैं, जैसे हमने कल हमने बात की थी कनेक्टिविटी की, ठीक है जी। वायर्ड कीबोर्ड, मैंने आपको कल भी बात बताई थी कि हमारी जो पोर्ट्स होती हैं, पहले की पुरानी PS2 पोर्ट होती थी कीबोर्ड के लिए, लेकिन अब जो नए कीबोर्ड आना शुरू है क्योंकि USB इतनी ज़्यादा कॉमन हो गई कि हर चीज़ हमारी USB प्लग इन हो गई, तब जितने भी कीबोर्ड्स आ रहे हैं सब आपने देखा होगा USB कीबोर्ड्स हैं, ये वायर्ड कीबोर्ड्स हैं। इसके बाद अगर हम आगे जाते हैं तो वायरलेस कीबोर्ड की टेक्नोलॉजी है, वायरलेस में ब्लूटूथ है, इंफ्रारेड है और रेडियो फ्रीक्वेंसी है, यानी रेडियो वेव, ठीक है। ये ब्लूटूथ कीबोर्ड्स होते हैं जिनको अपने मोबाइल फ़ोन जहाँ जिस डिवाइस में ब्लूटूथ मौजूद है उसमें आप इजीली कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इसको आप विदाउट वायर बहुत ईजीली आपके लिए काम करना आसान हो जाता है, ठीक है जी। ये देखें वर्चुअल कीबोर्ड, ये भी एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है, ठीक है, इन्फ्रारेड यूज़ की जाती है, ठीक है जी। ये वर्चुअल कीबोर्ड मैंने आपको बताया कि मैंने कि वर्चुअल कीबोर्ड इसका नाम भी होता है, ठीक है जी, और ये वायरलेसली कनेक्ट होकर आपके डिवाइस को यूज़ करती है, ठीक है जी। RF वायरलेस कीबोर्ड, ठीक है जी, रेडियो फ्रिक्वेंसी यूज़ करता है और इसकी जो है वो रेंज भी ज़्यादा होती है और इसमें ज़रूरी नहीं है जैसे इन्फ्रारेड, आपने रिमोट कंट्रोल यूज़ किया होगा किसी भी डिवाइस का तो उसमें देखा होगा आपने रिमोट को बिल्कुल डिवाइस के सामने करके आप यूज़ करते हैं तो वो काम करता है, ठीक है जी। तो लेकिन RF वायरलेस कीबोर्ड जो होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो सामने रखे जाएँ, उनको आप साइड में या थोड़ा दूर बैठ कर भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छी जो है वो कम्युनिकेशन करता है और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होती है इसकी RF वायरलेस कीबोर्ड्स की, ठीक है जी। अब बात कर रहे हैं हम किसकी, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर कीबोर्ड। अब कीबोर्ड के जो पार्ट्स हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, उससे पहले हम बात कर रहे हैं फंक्शन कीज। फंक्शन कीज कौन सी होती है, बिल्कुल टॉप पर एक लाइन होती है, ठीक है जी, F1 से F12 तक, पर हम पढ़ते हैं डेफिनेशन, यही बात इसमें भी लिखी हुई है। अक्रॉस द टॉप ऑफ द कीबोर्ड आर द रो ऑफ कॉल
keys called the function keys. Each key is composed of the letter F and a number ranging from F1 to F12. Basically, F means function. Function 1, function 2. और ये हर सॉफ्टवेयर में, हर प्रोग्राम में ये फंक्शंस डिफरेंट होते हैं. ईच ऑफ द फंक्शन कीज परफॉर्म अ स्पेसिफिक ऑपरेशन बेस्ड अपॉन व्हाट सॉफ्टवेयर इज बीइंग यूज्ड. जिस किस्म का आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं उसमें हर सॉफ्टवेयर में फंक्शन कीज का इस्तेमाल डिफरेंट हो जाता है, चेंज हो जाता है. ठीक है, ये थे फंक्शन कीज. फिर हम बात करते हैं कि इसकी न्यूमेरिक कीपैड. मेनी लार्जर कीबोर्ड, जो नॉर्मल हमारा स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है, हैव एन एक्स्ट्रा सेक्शन टू द राइट दैट कंटेन्स द न्यूमेरिक कीपैड. This consists of the numbers 1 through 9, an asterisk, a slash, a dash, a plus sign, an enter key, and a period, any key full stop. There is also a numlock key which is used to turn on and off the numeric keypad. Normal jo keyboard hota hai usme aap dekha hoga right side pe panel hota hai jo numeric keypad hota hai usko calculator bhi kaha jata hai. Waise usme sirf 0 to 9 numbers hote hain, plus minus, asterisk for multiply, slash for divide नंबर्स होते हैं, नम लॉक होता है, और एक बिल्कुल कॉर्नर पर, बॉटम कॉर्नर पर एंटर की होती है. जब नम लॉक यानी कि नंबर कीज को यूज करते हुए एंटर करके आप यूज कर सकते हैं. ठीक है जी, ठीक है. ये तो हमारा न्यूमेरिक कीपैड. उसके बाद आते हैं हमारे नेविगेशन कीज, जिससे आप गेम्स वगैरह खेलते हैं या डायरेक्शंस यूज करते हैं. नेविगेशन कीज आल्सो कॉल्ड द डायरेक्शन कीज आर यूज्ड टू नेविगेट थ्रू डॉक्यूमेंट्स एंड वेबसाइट्स. Examples of navigation keys are the up, down, left and right. ठीक है जी, up, down, left and numeric keypad के left side पर आपने देखा होगा up, down, left, right की keys होती हैं, वो आपकी होती हैं navigation keys. ठीक है जी, ये हमारी navigation keys हो गई, हमारा numeric keypad हो गया. हम आगे चलते हैं मज़ीद. तो हमारे typewriter keys, जो center में हमारा panel होता है, the center of the keyboard which contains the largest amount of keys includes letters and numbers. Most typing is done with these keys. हमारे alphabets होते हैं, नीचे space bar होता है, ये सारी जो keys हैं वो हमारी typewriter keys होती हैं. ठीक है जी, फिर special keys आ गई. Other keys include the alter and control keys used for specific functions, the tab key used to insert the cursor, and the shift key used to make capital letters or symbols that are located on the number keys. ठीक है जी, अब क्या होता है इसमें जो शिफ्ट की होती है, शिफ्ट की के जरिए आप कैपिटल और स्मॉल यूज करते हैं लेटर्स, और जो नंबर्स के ऊपर सिंबल्स हैं शिफ्ट की से प्रेस करते हैं तो वो नंबर्स आ जाते हैं, नंबर्स की जगह सिंबल्स आ जाते हैं. विदाउट शिफ्ट यूज करते हैं तो वो नंबर आ जाता है. ठीक है जी, तो ये हमारे हो गए कुछ स्पेशल कीज. टैब स्पेसिंग के लिए यूज किया जाता है. ठीक है जी, एस्केप, एस्केप बिल्कुल अपर लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर होता है, बिल्कुल अलग से की होती है, उसको एस्केप कहते हैं. ठीक है जी, एस्केप की एग्जीक्यूटिव इन द अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ द कीबोर्ड. इट इज यूज्ड टू कैंसिल ऑपरेशन, किसी ऑपरेशन को कैंसिल करना हो या बैक करना हो. ठीक है, तो उसके लिए एस्केप की यूज की जाती है. ठीक है जी, तो ये हमारी आज की बात थी कि हमने जो डिस्कस किया वो क्या किया, कीबोर्ड. ठीक है भाई, अब आप अनम्यूट करके जल्दी से बात कर सकते हैं. ठीक है, ताकि आप अपनी क्लास को फिर वाइंड अप करें. हाँ, पर सिर्फ 5 मिनट है डिस्कशन करने के, उसके बाद 11 से 12 आपका पेपर होगा. ठीक है, ज़रूर लाजमी आपको वो पेपर देना है. ठीक है ना, किसी भी जरिए से कुछ भी करके, लेकिन ये नहीं सोचिएगा कि उसको हम छोड़ देंगे. मार्किंग बेटा ये इंक्लूड होगी मार्कशीट में, रिजल्ट भी उसका बनेगा, बुलाया भी जाएगा पेरेंट्स को, बात भी की जाएगी. इसलिए मैं आप लोगों से लाजमी कह रहा हूँ कि भाई ये ज़रूर कंडक्ट करना है. मुश्किल समझ के या ऑनलाइन समझ के छोड़िएगा नहीं, बहुत आसान है, सिंपल है, कोशिश करनी है. जी आयान, कुछ पूछना चाह रहे हैं बताइए. बेटा अनम्यूट कर लिया है, बात कीजिए. कुछ चीज़ पूछनी है, कुछ समझ में ना आई हो, बात कर सकते हैं आप लोग. जी बेटा, अच्छा बोलिए. आपके पास पिक्चर आ गई थी कल? जी बेटा, सही. जब आपने व्हाट्सएप की है तो मेरे पास आई है ना, व्हाट्सएप पे तो आपको खुद ही पता चल रहा था कि रिसीव हो गई सामने वाले, बाकी लोगों के, लेकिन अभी सबके निगाह नहीं आया मेरे पास. जी बेटा ये बता, आज की बात समझ में आई आप लोगों को? कोई इशू, किसी को कोई चीज समझ में ना आई हो कीबोर्ड के हवाले से पूछ सकते हैं. 2-3 मिनट रह गए, इसके बाद दूसरी क्लास शुरू होने वाली है आपकी. अच्छा
किसी को कुछ नहीं पूछना भाई, लेकिन लाजमी मैं अभी भी आपसे कह रहा हूँ कि जी अपने लिए दुआ भी करें, ठीक है, नमाज में, इसमें घर में सबकी जो है वो हेल्प करें, पेरेंट्स की, घर में आप लोग, ठीक है, दुआ करें हमारे मुल्क के हालात भी बेहतर हो जाएँ, तो जल्द से जल्द हमारे स्कूल जो है वो नॉर्मल तरीके से ओपन हो जाए, ताकि ये सारी परेशानियों से दूर हम तरीके से पढ़ सकें, ठीक है। और ये टेस्ट जो भाई हो रहा है, प्लीज़ ये मस्ती टेस्ट है, किसी को वो नहीं सोचेगा कि क्लास टेस्ट है, हम नहीं देंगे तो कोई मसला नहीं है, इसकी मार्किंग होनी है, मार्कशीट बननी है, रिजल्ट भी डिस्ट्रीब्यूट होना है जैसा होता है, ठीक है। तो ये लाजमी आपको जो है वो अटेम्प्ट करना है, ठीक है। मैंने ग्रुप पर भी आप लोगों को इसलिए पेरेंट्स को मैसेज कर दिया था, आपने किसी ने शायद ना बताया हो तो प्लीज़ पेरेंट्स को बता दें, फिर फ़ोन आएगा स्कूल से, अच्छी बात नहीं होगी, वो मसाइल आपके लिए बढ़ेंगे, सबके लिए बढ़ेंगे, ठीक है। तो भाई अपना भी ख्याल रखें और अपने लिए दुआ भी करें और अपने आप को बेहतर बनाएं, ठीक है, अच्छे से अच्छा काम करके दिखाएं, ठीक है बेटा। फिर इंशाल्लाह हम कल मुलाकात करेंगे, ठीक है बेटा। चले मैं क्लास को वाइंड अप कर रहा हूँ, ठीक है। और ये रिकॉर्डेड क्लास आपको पोर्टल पे मिल जाएगी, मैं डेली जो रिकॉर्डेड क्लास है मैं पोर्टल पर अपलोड लाजमी कर रहा हूँ, जिसकी जो है वो अगर स्किप हो जाती है, मिस हो जाती है, वो वहाँ पर वो अपनी रिकॉर्डेड क्लास देख सकता है, जो आज हमारी क्लास हुई है, मैंने क्या एक्सप्लेन किया है, ठीक है बेटा। चलिए इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।